नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबको स्वागत है। जो कल की क्लास में हमने देखा कि मनु भंडारी जी की आत्मकहानी, तो शीर्षक भाग उनके बचपन के बारे में आज हम बात करेंगे। पांच भाई बहनों में सबसे छोटी, मैं सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और एक धुंधली सी यादें मेरे मन में, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेल चुके। देखिए, मनु भंडारी जी के परिवार में 5 भाई बहनों में इनकी बड़ी बहन थी और 2 भाई, चौथी बहन और लास्ट में मनु भंडारी थी। तो मनु भंडारी जी 7 साल की थी, 7 साल की उम्र में जब थी तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या होता है क्या नहीं है, घर में कैसे है, घर का माहौल क्या है, कुछ भी समझ में आता, क्योंकि 7 साल का बचपना बिल्कुल खेल कूद तमाशा का होता है, समझ में आना मुश्किल ही है। तब उसके बड़ी बहन की शादी हो रही थी, बड़ी बहन की शादी हो रहा है, क्या हो रहा है उसे पता नहीं है, बड़ी बहन जो ससुराल कैसे जाएगी वो भी पता नहीं, सिर्फ बड़ी बहन की शादी के यादें बिल्कुल उनके दिमाग में है। कैसे हैं तो मेरे बहन की शादी हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहन कहाँ जाएगी शादी के बाद, कुछ भी नहीं। 7 साल की थी तब भी उनके बड़ी बहन की शादी हो गई। तो शादी होने के बाद बड़ी बहन ससुराल चली गई तो कवित्री के और एक बहन कवित्री से भी 2 साल बड़ी थी, उनका नाम था सुशीला। सुशीला और कवित्री हमेशा एक ही आंगन में खेलते थे, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां यानी घर की लड़कियां आंगन ही काफी था, आंगन से बाहर जा नहीं सकते थे, वो भी स्वतंत्रता पूर्वीन देश में आंगन ही उनके लिए सब कुछ था। और अड़ोस पड़ोस के साथ वहाँ पर यहाँ सभी लड़कियों में मिलकर खेल खेलते थे। उसी तरह बचपन में कवित्री मनु भंडारी जी का बचपना ब्रह्मपुर मोहल्ले के उस 2 मंजिलों के घरों के आंगन में इनका बचपना शुरू होता है। इनसे भी 2 साल पड़ी थी सुशीला। सुशीला और मनु भंडारी जी दोनों खिलकर मिलकर साथ ही साथ गली मोहल्ले के सभी लड़कियों को लेकर आंगन में सभी खेले खेले जाते हैं। देखिए, बचपन में सब लोग खेलते हैं। तो अब प्रस्तुत पहले के जमाने में जो बचपन के खेल थे वो अलग ही थे, क्योंकि उस जमाने में हमारे घरों में ना टीवी रहती थी, ना मोबाइल और ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं है। जो भी खेलना है घर के बाहर ही खेलना है, जैसे गिल्ली डंडा खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, काले टिल्लो खेलते हैं, तरह तरह के खेल हम आंगन में खेलते थे। लड़की आंगन में खेलते थे, लड़कों आंगन से बाहर भी जाकर खेलते थे, कहीं दोस्तों के घरों में जाकर खेलते थे, खेत खलियान में भी खेल खेले जाते थे। बचपन में जहाँ चाहे हो कोई पाबंदी नहीं है, बचपन ऐसा ही होता है, कब खेलते हैं, कब कब रो पड़ते हैं, कब क्या कर सकते हैं, कुछ भी पता ही नहीं लगता, ऐसा बचपना है। तो सब लोगों का बचपन ऐसा ही होता है। प्रस्तुत यांत्रिक जीवन में जो हम बचपना है घरों के अंदर ही देखते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे आजकल के हैं घरों के अंदर ही खेलते हैं, बाहर जा ही नहीं सकते, मोबाइल टीवी लैपटॉप इसी में इनका बचपनों का खेल। जैसे ही 3 साल के रह जाते हैं उनको जाकर हम बेबी सिटिंग में बिठाते हैं, वहाँ पर भी वही खेलों के साथ खेलते हैं, घर वापस घर स्कूल, इनका बाहरी आंगन का खेल ही नहीं, खेल खेलना ही तो घरों के भीतर है, घर के बाहर जाकर खेलने का मौका ही आजकल के बच्चों का नहीं। लेकिन जब कवित्री छोटी थी बचपन के सभी खेल कूदे खेल चुकी है, बड़ी बहन सुशीला और मैं घर के बड़े से आंगन में, उनका घर के सामने जो बड़ा सा आंगन था उस आंगन में सारे खेल खेल चुके हैं। देखिए, सतोलियां, पकड़म लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काले टिल्लो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों का व्यवहार भी रचाए, पास पड़ोस के सहेलियों के साथ ये खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने कांच पीस कर मांजा छूटने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर से बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा घर तो कैसा था। कवित्री अपने बहन के साथ और आंगन के सभी आजू बाजू के पड़ोस के लड़कियों को लेकर आंगन में कभी काले टिल्लो खेलती थी, कभी पकड़म पकड़ाई खेलती थी, कभी लंगड़ी टांग खेलती थी, कभी सभी सहेलियां मिलकर गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी करते थे। गुड्डे गुड़ियों का यहाँ यानी 1-2-3 लड़कियों का एक वधू और 2-3 लड़कियों का एक वर, ऐसे 2
दो गुड्डा गुड्डियों को लेकर गुड्डा गुड्डों का विवाह भी करते थे, वो समधन बनते थे, ये समधी जी बनते थे, लेन देन जैसे शादी करते हैं उसी तरह गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी रचाने का खेल खेलती थी। साथ ही साथ अपने बाइयों के साथ भी काम करती थी, जैसे बाइयों पतंग बनाते हैं तो पतंग बनाने के लिए मदद करती थी, साथ ही साथ मांझा बनाने के लिए, मांझा यानी पतंग उड़ाने के लिए जो धागा बनाते हैं उसे मांझा कहते हैं। देखिए यही हम पतंग को हम धागा लगा कर पतंग उड़ाएंगे तो धागा टूटने का संभावना होता है, पतंग फटने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं उस धागे को कांच पीस कर, यानी जो टूटे फूटे कांचों को लेकर कांच पीस कर उसमें थोड़ा गम मिलाते हैं, गम मिलाकर जोरों से धागे को लगाते हैं, लगाने के बाद वो धागा बिल्कुल सख्त बन जाता है, बिल्कुल सख्त बन जाता है, जहां तक भी हम पतंग उड़ाए वो धागा फट नहीं सकता, पतंग को कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए पतंग उड़ाने के लिए क्या करते हैं मांझा बनाते हैं। तो मांझा बनाने के लिए कांच पीसने को भी कभी कभी अपने भाइयों को मदद करते थे और मांझा भी बनाकर देते थे। मांझा बनाने के बाद पतंग लेकर उनके भाइयों खेलने के लिए बाहर जाते थे, कवित्री घर के अंदर ही खेलती थी, आंगन ही उनके लिए सीमित था, आंगन से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि लड़कियां घर की अमानत होते हैं, लड़कों वाले माली जाकर कहीं भी खेल कर वापस घर आ सकते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसे नहीं, घरों के आंगन में ही खेलना पड़ता है। तो कवित्री जैसे लड़कों का खेल भी खेल चुकी है, लड़कियों का भी खेल खेल चुकी, लड़कों को अपने भाइयों को पतंग बनाने के लिए मदद भी करती थी, लेकिन कभी पतंग उड़ाने का कोशिश नहीं की थी, पतंग बनाने के लिए मदद करती थी, मांझा बनने के लिए मदद करती थी, दोनों भाइयों को मदद करती थी, लेकिन भाइयों के साथ बाहर जाकर पतंग खेलने का भी मन था, लेकिन जो घर का माहौल, घर का वातावरण, पिताजी के डर, साथ ही साथ उस जमाने में लड़कियां जाकर लड़कों के साथ कहीं खेल नहीं सकते थे, इसलिए इन सभी कारणों से घर का आंगन ही उनके लिए सब कुछ था, घर के आंगन में खेलती थी, लेकिन उनके भाइयों का दायरा यानी सुबह से शाम तक भाइयों घर के बाहर ही खेलते थे। इस तरह कवित्री के जीवन घर के आंगन में शुरू हो गया। इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवार तक हर घर घर तक ही सीमित नहीं जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्लों तक फैली रहती थी, इसलिए मोहल्ले के किसी घर घर में जाने पर कोई पाबंदी न थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, तो उस खेलते थे कूदते थे उनका मोहल्ले में जितने घरों हैं घरों में आना जाना सब कुछ लगा रहता था, क्योंकि उस जमाने में आजू बाजू के लोगों को हम क्या समझते थे, हमारे सगे संबंधी भाई बहनों के जैसे समझते थे, हमारे घर में कुछ ना हो उनसे उधार लेते थे, उनके पास कुछ ना हो हमसे लेते थे, सब मिलजुल कर जिस मोहल्ले में हम रहते थे उस मोहल्ले में जितने घरों हैं सभी घरों के बीच में घरों के आपसी समस्याओं में हम एक जगह बैठकर समस्या का हल निकालते थे, साथ ही साथ एक परिवार दूसरे परिवार से लगाव रहता था, भाई जैसे त्योहारों में उनके घरों हम जाते थे, हमारे घरों वो आते थे, लेन देन करते सब कुछ उस मोहल्ले के सभी घरों भाई बहनों के जैसे रहते थे, और घरों के सभी बच्चे उनके घर में भी जाकर खेल कूद सकते थे, वो उनके बच्चे आकर इनके घर में खेत खोल सकते थे, यहाँ तक उनके घरों की रसोई तक जाकर हम खाना भी खा सकते थे, ऐसे माहौल था उस जमाने में। अब कैसा बन गया है, बिल्कुल कश्मकश जिंदगी रहने के कारण किसी के पास न जाने के लिए फुर्सत है, किसी के पास न आने के लिए फुर्सत है, हम हमारे घर के भीतर ही रहते थे, अब ये नया हमारा जीवन का शुरुआत है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, एक दूसरों के मोहल्लों में जितने भी घर रहते हैं सभीों के घरों के जाकर हम बैठ सकते थे, बात कर सकते थे, उनके पास खाना खा सकते थे, उनके पास कमी हो तो उधार नगद के व्यवहार भी हम कर सकते थे, तो कुछ घरों ऐसे थे कवित्री जाकर बिल्कुल उनके घरों में बैठ सकती थी, खा सकती थी, बातें कर सकती थी, उनके घर में खेल सकती थी, कुछ घरों तो इनके ही घरों के जैसे बन गए थे। आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, सहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ तो कवित्री के सभी बचपने हैं, बचपनों के बाद जो कवित्री एक प्रवक्ता बनकर एक प्राध्यापक बनकर दिल्ली में रहती है,
प्रस्तुत दिल्ली में किसी एक ऐसे अपार्टमेंट में घर बनाकर उस अपार्टमेंट के घरों में रहते हैं, तो तब कोई आजू बाजू के लोग उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, उनसे कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं। सभी अपार्टमेंट में रहने वाले हैं, सुबह होते अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और शाम होते वापस घर लौटते हैं, खा पीते हैं, घरों में विश्राम करते रहते, किसी के पास जाना जाने के लिए फुर्सत नहीं, आने के लिए फुर्सत है। प्रस्तुत कवित्री भी एक अपार्टमेंट में रहने के लिए शुरू कर दी थी, तब उसे अपने बचपन की यादें आती हैं। बचपन में मैं कैसी थी, मेरे मोहल्ले के सभी घरों में मैं किस जगह जाकर खेल सकती थी, मोहल्लों के सहेलियों के साथ सभी तरह के खेल खेलती थी, उनके घरों हम जाते थे, हमारे घरों वो आते थे, हम बिल्कुल एक परिवार सा जैसे उस मोहल्ले में रहते थे। अब जो मैं प्रस्तुत जिस घर में रह रहे हूँ, इस घर में मुझे धर्म घुटता है, क्योंकि अकेली है, अकेली अपने आश्रम के ऊपर उस नया यांत्रिक जीवन की फ्लैटों में रहने लगी है, तब कवित्री को अपने बचपन के सभी यादें आते हैं। तो कुछ उनके मोहल्लों के मोहल्लों में रहने वाले सहेलियों के बारे में भी प्रारंभिक कहानियों में उनका परिचय दिया गया है कवित्री के प्रारंभिक साहित्य में। मैं अपनी किशोर अवस्था गुजारा, अपनी यौवन अवस्था का आरंभ किया था, तो उनके बचपना समाप्त हो गया था, यौवन आश्रम शुरू हो गया था। हर एक व्यक्ति के जीवन में चार प्रकार के आश्रम आते हैं, जैसे बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। हर एक व्यक्तियों के जीवन में आने वाले ये काल है, जैसे बचपना, बचपन का कोई मोलना तोलना जैसे चाहे वैसे बचपना गुजर, उसके बाद यौवन अवस्था। यौवन अवस्था बिल्कुल नशीला जीवन है, यौवन अवस्था में हम कई पैर फिसल जाए तो हम उठ ही नहीं सकते, यह यौवन आश्रम। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम करते हैं हमारा परिवार, परिवार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, परिवार के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, ये उस गृहस्थ आश्रम के। तो उसके बाद सब कुछ गृहस्थी होने के बाद अंत दिनों में भगवान की जब नाम स्मरण करते हैं, कहीं भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो यहाँ पर इस कविता में भी बचपन, कवित्री की बचपना के बारे में हमने देखा, तो यहाँ पर कवित्री की बचपना समाप्त हो गया था, यौवन अवस्था शुरू हो गया, यौवन अवस्था का आरंभ किया था। एक दो छोड़कर उनमें से कई भी पात्र मेरे परिवार के नहीं है, जो उन्होंने प्रारंभिक अपनी कविताओं में कुछ पात्रों का वर्णन करते हैं, उन पात्रों में से सिर्फ एक दो पात्र उनके परिवार के हैं, बाकी के सभी पात्र जिस मोहल्ले में वो खेल कूद की थी, जिस मोहल्ले में उनका जीवन शुरू हुआ था, जिस मोहल्ले में उनका बचपन खिल उठा था, उन्हीं पात्रों को अपने साहित्य में वर्णन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। बस इनको देखते सुनते ही इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ था। तो जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरा बचपना शुरू हुआ था, जहां मेरे बचपन के खेलकूदें शुरू हुई थी, जहां मेरे मोहल्ले के सहेलियों के साथ मेरा जीवन शुरू हुआ था, ये सब कुछ मुझे कब पता हो गया जीवन के बारे में, जब मैं लिखने के लिए शुरू कर दी थी, साहित्य की ओर मेरा मन आकर्षित हुआ था, साहित्य की ओर मेरा मन आकर्षित होकर लिखने के लिए स्वतंत्र लेखिका बनकर मैं साहित्य सेवा करने लगी थी, तब ही इन सभी पात्रों मुझे याद आने लगे। कभी मेरे भाई के रूप में कुछ पात्र थे, मेरे बहनों के रूप में कुछ पात्र थे, मेरे सगे संबंधियों के रूप में कुछ पात्र आने लगे, और हदसे ज्यादा मुझे गली मोहल्लों के चाहने वालों एक 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 पात्र मेरे साहित्य के दायरे में उतरने लगे। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी गुंगला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। इसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाते ही महाबोझ में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरी अपनी लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। तो जहां उसका जीवन शुरू हुआ था, उसी गली मोहल्ले में दास साहब नामक एक व्यक्ति थे, दास साहब एक व्यक्ति के व्यक्ति थे, तब उन्होंने एक महाबोझ नामक एक ग्रंथ लिखने के लिए शुरू कर दिए थे। उस महाबोझ ग्रंथ में दास साहब का एक काल्पनिक पात्र है, तो उस काल्पनिक पात्र को महाबोझ ग्रंथ में लिखते 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 सभी उनके बचपनों के यादें, उनके उनको मदद करने वाले सहेलियों के यादें, उनके मदद करने वाले दोस्तों के यादें, उनको मदद करने वाले परिवार के कुछ सदस्यों के यादें भी आती हैं, तो सभी लोगों के लिए साहित्य में जगह देती है, उनके साहित्य में सभी लोगों का विवरण करती है,
साहित्यकार बनने के लिए जो उनको मदद किए हैं, चाहे वो पाठशाला उनके सहेलियां हो सकते हैं, चाहे या उनके बचपन के सहेलियां हो सकते हैं, चाहे प्रस्तुत प्रवक्ता बनने के बाद जो मार्गदर्शन देने वाले उनके गुरुगण हो सकते हैं, सभी लोगों का वर्णन अपने साहित्य में करते हैं। वहां बोझ ग्रंथ में दाहसाब एक काल्पनिक पात्र है, उस काल्पनिक पात्र के मुखांतर महाबोज में उनका वर्णन करते 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 और सभी उनके बचपन के दोस्त सहयोगियों का वर्णन भी अपने साहित्य में कवित्री करने के लिए शुरू कर दी थी, क्योंकि बचपना ही तरोताजा होता है। तो उसी तरह अपने बचपन में हुए घटनाओं को लेकर, अपने बचपन में मदद करने वाले सभी दोस्त सहयोगियों को लेकर साहित्य सेवा में साहित्य सेवा करती है, साथ ही साथ साहित्य में सभी लोगों का गुणगान करती है। ये जो अनुभव उनके लिए बिल्कुल एक खुशी का अनुभव है, सुखद अनुभव का थे, बिल्कुल एक खुशी का अनुभव, क्योंकि बचपन के सभी यादें, साथ ही साथ परिवार का परिचय, माँ बाप का व्यवहार, इन सभी विषयों को लेकर आत्मकहानी लिखते समय कवित्री बहुत से ज्यादा खुशी होती है। आश्चर्य का विषय था ये, उसे पता नहीं कि मुझे कैसे यादें हैं, जैसे लिखने शुरू करती है एक 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 काल्पनिक पात्र उनके दिमाग में आता है, तो उनके बचपन के बारे में लिखती है तब कुछ सहेलियों के यादें आते हैं, यौवन अवस्था के बारे में लिखती है तो तब कुछ सहेलियों के यादें आते हैं, जिन जिन सहेली दोस्तों का याद आता है सभी लोगों के लिए अपने साहित्य में जगह देती है, तो कवित्री को हद से ज्यादा खुशी मिलती है। एक सुखद अनुभव उनके लिए, खुशी के पल उनके लिए हम कह सकते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में जब कवित्री छोटी थी, आप 14 साल की थी, तो तब उस समय में कवित्री के परिवार में यानी भंडारी जी के परिवार में लड़कियों को हद से ज्यादा जल्दी शादी करते थे। लड़कियां 16 साल की हो जाए या 10वीं पास होते ही उनका विवाह हो जाता था, उनके परिवारों में शादी कर दी जाती थी। तब इनसे भी 2 साल बड़ी बहन सुशीला भी 10वीं कक्षा में थी। सन 1944 में सुशीला जी 10वीं कक्षा में पढ़ने लगी थी। जैसे 10वीं कक्षा समाप्त हो गया तो उनके बहन की शादी के बारे में भी सोचने लगे। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक। उस जमाने में यानी कवित्री जब छोटी थी उनके परिवारों में यानी भंडारियों के परिवारों में शादी के लिए लड़कियों को 16 साल उम्र ही काफी था और शिक्षा 10वीं कक्षा पढ़ाते थे। 10वीं कक्षा के बाद आगे की शिक्षा उनको नहीं दी जाती थी, जल्दी से जल्दी रहा कर घर से भिजवा देते थे। उसी तरह तब भी ये 14 साल की थी कवित्री, तब उनसे भी 2 साल की बड़ी बहन सुशीला भी 10वीं कक्षा में थी। जैसे 10वीं कक्षा पास कर दी 16 साल की हो गई सन 1944 में, 16 साल की होते ही उनके बड़ी बहन सुशीला का भी विवाह कलकत्ता के एक व्यापारी से हो जाता है। कलकत्ता के पर, क्योंकि ये इनका व्यापारी परिवार होने के कारण इनके बहन की शादी भी कलकत्ता के एक वरिष्ठ व्यापारी के परिवारों से शादी हो जाती है। सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। उनके बहन शादी करने के बाद 16 साल की थी, सन 1954 में 10वीं परीक्षा पास कर चुकी थी। जैसे 10वीं परीक्षा पास करते ही इसका शादी हो गया। इसकी बड़ी बहन सुशीला 16 साल में ही कलकत्ता चली गई अपने पति के साथ ससुराल। ससुराल जाने के बाद कवित्री को हद से ज्यादा दुख भी होने लगा, क्योंकि बड़े बहन कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल छोटी है, लेकिन बहन से बहुत ही होशियार थी। सुशीला देखने के लिए खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी और हद से ज्यादा पिता की प्यारी बेटी थी, लेकिन कवित्री के लिए कभी पिता का प्यार मिला ही नहीं था। देखने के लिए कवित्री उतना खूबसूरत भी नहीं थी और काली मरियल सिमटी सी थी। सोचने लगी मेरी बहन की शादी हो गई, बहन चली गई, अब मुझे आगे क्या करना है। दोनों बड़े भाई, जैसे बहन का शादी हो गया बहन भी ससुराल चली गई और उनके घरों में 2 बड़े भाई थे। दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए अजमेर से दूसरे शहर चले गए। घर से बहन भी चली गई, दोनों भाई भी चले गए। परिवार में रहने के लिए सिर्फ 3 लोग रह गए, माँ पिता और मनु, तीनों ही इस घर में रह गए। और बहन ससुराल चली गई, दोनों भाई पढ़ने के लिए चले गए। तब कवित्री को एक नया वजूद अपने सर पर लेना पड़ा। कैसा नया वजूद? पिताजी का देखभाल करना। इसके लिए कवित्री के लिए एक नया वजूद। कैसा नया वजूद? अब तक तो पिताजी के पास जाने से भी डरती थी, पिताजी के सामने बैठने से भी डरती थी, पिताजी को देखते हससे ज्यादा गुस्सा पिताजी को आता था, हससे ज्यादा क्रोध इसको भी आता था। दोनों के बीच में फासला ही फासला था। कभी पिताजी के पास
जाने का सोच विचार भी नहीं कर सकते थे। ऐसे वजूद इनके सर पर आने लगा, नया जिम्मेदारी इनके सर पर, पिताजी की देखभाल करना है। तब ये सोचने लगी इन लोगों की छत्र छाया हटने हटते ही पहली बार मुझे एक नए सिर से अपने वजूद का एहसास हुआ। ये तीनों घर से निकलने के बाद एक नया एहसास उनको हुआ, पिताजी का ज्ञान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों की जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुकड़ ग्रहणी और कुशल पाक शास्त्र बनाने की नुक्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई को वो बटिया खाना कहते थे और उनके हिसाब में से वहां जाना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में जोखना था। तो तीनों चले गए। तब धीरे धीरे से मन्नू भंडारी जी पिताजी के पास जाने लगी, उनके पास बैठने लगी, उनके लिए चाय नाश्ता देने लगी। तब पिताजी को भी थोड़ा थोड़ा मन्नू के ऊपर प्यार आने लगा और प्यार से बेटी को देखने लगने लगे। मन्नू जी तब हाईस्कूल की शिक्षा पा रही थी। उस जमाने में हाईस्कूल की शिक्षा पाने वाली लड़कियों को रसोई के काम सभी सिखाए दिए जाते थे, जैसे खाना बनाना हो या घर के छोटे मोटे काम करना हो, बर्तन मलना हो, कपड़ा धोना, जो भी हो छोटे छोटे घरों के काम भी सिखाए दिया जाता था। तब मन्नू पंडर जैसे कुछ काम करने के लिए चली जाती तो कभी उनके पिता उसको गुस्से से कहते थे कि रसोई घर में मत जाओ, रसोई घर कैसा है कि बट्टी खाने के जैसा है, बट्टी खाना जैसे कुछ बनाते हैं सुबह से शाम तक आग ही आग धरता रहता है, उसे बट्टी खाना कहते हैं। ऐसे तुम रसोई घर में जाकर सुबह से शाम चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाओगी, बट्टी खाने में झोंके जैसा होता है, इसलिए तुम रसोई से दूर रहो, बेटी को रसोई से दूर रहने के लिए कहते थे। साथ ही साथ उनके पास बैठने के लिए कहते थे, उनसे कुछ बात करने की चाह तब पिताजी को मन्नू भंडारी जी से होने लगा और रसोई बट्टी खाना कहकर रसोई से भी दूर रह गई और पिताजी की प्यारी बेटी बनने की कोशिश मन्नू जी करने लगे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और जमकर बहसे होते, बहस करना पिताजी का एक अच्छा आदत था। तीनों जले जाने के बाद पिताजी के पास कभी कभी जाती थी, आती थी, बैठती थी, बातें करती थी, कुछ राजनीतिक चर्चा भी गर्म होता था, क्योंकि उनके पिताजी एक वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण, तो तब देश आजाद नहीं था, फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आई पार्टी हमारे देश में थे। तब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं उनसे बात करने के लिए उनके पिताजी के पास सलाह लेने के लिए आते थे। सभी उनके घर में बैठकर बातें करते थे, बातचीतें होती थी। तब बातचीत होते समय कभी फिर उनको चाय पानी या नाश्ता देने के लिए चली जाती थी, पिता भी कहते थे बेटो तुम बैठो कुछ सुनो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था क्योंकि इससे पहले राजनीतिक चर्चाओं में कभी भाग लेने से की कभी थी, वो भी छोटे कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को राजनीतिक चर्चाएं कैसे समझ में आते हैं। तब कवित्री के दायरा बस इतना था, स्कूल जाना है, स्कूल में जो पढ़ाना है उसी को पढ़ना है, वापस घर आना है, परीक्षा लिखना है, अंक लेना, इतना ही समझ में आता था। इससे पहले देश में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था उनको, और राजनीतिक चर्चाएं कैसे होते हैं वो भी उनको पता नहीं था, लेकिन हो रहा था, घर में होते थे। तब धीरे धीरे से कवित्री कुछ लेन देन करने के लिए, चाय पानी नाश्ता देने के लिए पिताजी के पास ऊपर के कमरे में जाते थे, तब पिताजी उसको पास में बिठाकर सुनने के लिए कहते थे। सुनती थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या बातें होने लगे हैं। धीरे धीरे से समझने की कोशिश भी करने लगी। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहां बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा था। देश में तो भी इतना कुछ हो रहा था, सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था कि, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की दूर दूर तक की कोई समझ में नहीं आती थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों, शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी बुरानियों में जरूर मन आकंत्रित था। पिताजी मुझे बुलाते थे बैठकर में चलने वाले राजनीतिक घटनाओं, सन 1942 की बातें हैं। तब हमारे घर में चर्चाएं होते थे, किस तरह की चर्चाएं, किसी न किसी तरह से देश को आजाद करवाना है। देखिए, आजाद करवाने के लिए राजनेताओं यानी नेतागणों उनके घरों में चर्चा करते थे, उनको चाय पानी नाश्ता देने के लिए कवित्री जाती थी, तो बैठकर उनसे
बातें जो करते थे सुनती थी समझ में नहीं आता थी कि क्या बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे से समझ में आने लगा कि यह देश आजादी के लिए कुछ कर रहा है। इसके अलावा आजाद हिंद फौज के संस्था वालों बाहर सुबह से शाम तक शहरों में आंदोलन चलाते रहते थे कि आजादी के लिए, तरह तरह के आंदोलन शहर में चलते थे। तभी बिल्कुल युवा थी मन, कभी उस ओर भी आकर्षित होने लगा। कभी कभी जो आंदोलन चलते हैं बाहर, उस ओर भी मन आकर्षित होने लगा था। घरों में जो बहस चलते हैं, इस ओर भी मन आकर्षित होने लगा। सुबह से शाम तक पिताजी के पास आने जाने वाले लोगों के पास बैठकर होने वाले सभी घटनाओं को सुनती थी। सुनने के बाद मन देश की ओर हद से ज्यादा आकर्षित होने लगा। देश के लिए कुछ करने के सोच विचार कवि के मन में आने लगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि 15-16 साल की है, घर से बाहर जाना ही मुश्किल था। सिर्फ स्कूल जाना, स्कूल से वापस आने, पिताजी चाहते थे कि मनु स्कूल जाए, स्कूल से वापस घर आए, लेकिन किसी से कुछ बातें न करें, किसी से कुछ लेन देन न करें, यही पिताजी का आग्रह रहता था। तो धीरे धीरे सब पिताजी का प्यार भी मिलने लगा है। पिताजी के विरोध में कुछ करेगी तो वो भी डर था कवित्री को, लेकिन मन तो हद से ज्यादा आजादी की ओर आकर्षित हो रहा था। जो आंदोलन चला रहे उसके ओर मन आकर्षित हो रहा था, कुछ भी नहीं कर सकती थी। घरों में चर्चाएं चलते रहते हैं, वो भी सुनती थी चर्चाएं, आंदोलन की बातें, दोनों को लेकर कवित्री के मन बिल्कुल द्वंद में पड़ गया। तब ही कवित्री 10वीं कक्षा भी पास हो गई। 10वीं कक्षा पास हो गई। 10वीं कक्षा पास होने के बाद पिताजी उसे उच्च शिक्षा पाने के लिए दूसरे फर्स्ट ईयर में भेजते हैं। 10वीं कक्षा तक आलामेर रहता था कि बिना किसी खास समाज के घर में होने वाली बहसे सुनती थी और बिना चुनाव किए बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताब पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कह करा सीखा, एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव कर करके पढ़ने वाले पढ़ने में बदलाव को चुन चुन कर किताबें दी। जैसे देखिए 10वीं कक्षा समाप्त हो गया, 10वीं कक्षा पास हो गई। जहां 1वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, उसी साल वहाँ पर एक नया कॉलेज भी खुला हुआ था। उस नए कॉलेज में शीला अग्रवाल नाम के एक हिंदी प्राध्यापिका नियुक्ति भी हुई थी। जैसे 10वीं कक्षा में कवित्री पढ़ते समय सिर्फ कक्षा की किताब पढ़ती थी, देखिए 10वीं कक्षा तक, 1वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कैसा होता है, एक विषय के लिए एक किताब होता है। जैसे सोशल के लिए एक किताब, साइंस के लिए अलग एक किताब, मैथ्स के लिए एक किताब और लैंग्वेज की दो किताब होती है। एक पेपर का 100 अंक का पेपर लिखने के लिए एक ही किताब में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रश्नों का उत्तर भी जैसे हम पढ़ते हैं उसी प्रश्नों का उत्तर उसमें लिखना पड़ता है। 1वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक आलम, आलम करते शिक्षा, 1वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाली किताब सिर्फ जो एक विषय के लिए एक ही किताब होता है उसी विषय को पढ़ना है, उसमें जितने प्रश्न आते हैं प्रश्नों का उत्तर लिखना है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, 10वीं कक्षा तक समाप्त होने के बाद पीयूसी फर्स्ट ईयर लेते हैं, पीयूसी फर्स्ट ईयर में देखिए कुछ लोग साइंस में चले जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में चले जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में चले जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट जो लेते हैं, उन सब्जेक्ट में देखिए एक सब्जेक्ट के लिए एक एनसीईआरटी किताब, साथ ही साथ अनेक अथर्स मिलते हैं। अथर्स करते हैं उसका जो किताब पढ़ते हैं, उस किताब के अलग अलग रूप, अलग अलग साहित्यकारों अलग अलग प्रकार की किताब लिखते हैं, अथर्स कहते हैं। एक विषय के लिए 10 किताब भी पढ़ सकते हैं, एक विषय के लिए 10-10 किताब भी मिल सकते हैं। जैसे आर्ट्स में भी चाहे जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, वहां पर भी कैसा होता है एक विषय के लिए किताब और अथर्स की किताब भी मिलते हैं। कॉमर्स में भी लीजिए अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, वहां पर भी ऐसा ही होता है, एक किताब के लिए 10, एक विषय के लिए 10-10 अथर्स की किताब मिल सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का नहीं, 1वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के लिए सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है, एक विषय के लिए एक किताब पढ़ना है और एक ही किताब में से 100 अंक के प्रश्न आते हैं, 100 अंक के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं,
पेपर तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, 100 अंक के ही होते हैं, 100 अंकों की ही परीक्षा लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक विषय के लिए 10-10 किताबें पढ़ सकते हैं, एक विषय के लिए अनेक किताब अनेक तरह का विचारों हम पढ़ सकते हैं। कवित्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, 1वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक शिक्षा में सिर्फ एक विषय के लिए एक विषय के लिए किताब पढ़ती थी और उसके लिए परीक्षा लिखती थी, पास हो जाती थी। 10वीं कक्षा तक ऐसा ही हुआ, जैसे ही 10वीं कक्षा पास कर दी सन 1945 में, 10वीं कक्षा पास होने के बाद सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल के बाद एक नया कॉलेज खुला था, उसी नए कॉलेज में क कराकर थे। 1वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में ही कवित्री पढ़ी थी। क करा यानी शिक्षा का प्रारंभिक कक्ष, जैसे अ आ ई कहते हैं, क करा लिख पढ़ना शुरू कर दी थी। 1वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक शिक्षा ही हुआ था। 10वीं कक्षा के बाद पीयूसी आगे जाना चाहती थी, आगे जाने से पहले जैसे ही 10वीं कक्षा पास कर चुकी तब ही वहां पर एक नया कॉलेज खुला हुआ था, उस नए कॉलेज में ही पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए दाखिला ले लेती है। पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए कवित्री जी का एडमिशन होता है। एडमिशन होते ही जैसे पहली बार एक प्राध्यापिका से उनका मुलाकात होता है, शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल जी हिंदी प्राध्यापक है उस कॉलेज में। पहली बार कवित्री उनसे परिचय कर लेते हैं, उनका परिचय उनको मिल जाता है। जैसे ही परिचय होते ही शीला अग्रवाल जी इनको पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी लेकर जाती है। लाइब्रेरी ले जाने के बाद लाइब्रेरी में मिलने वाले ढेर सारे किताबें इनके हाथ में दे देती है। कवित्री परेशान होती है, एक एक किताब लेती है, उन किताबों को पढ़ती है और किताबों के बारे में बातें करती है, वो किताब फिर दोबारा वापस देना है और एक नया किताब। यूं ही कवित्री का साहित्यिक जीवन वहां पर शुरू हुआ। जैसे पीयूसी फर्स्ट ईयर में आई, लाइब्रेरी में आकर एक एक किताब लेना, पढ़ना, उसके बारे में चर्चाएं करना, यूं ही पढ़ाई शुरू हुआ। पढ़ी हुई किताबें पर बहसे की तो 2 साल बीतने साहित्य की दुनिया शरद चंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र अग्नि यशपाल भगवत शरण वर्मा तक फैल गई। यूं ही पढ़ते पढ़ते सिर्फ पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल क्या करती थी, लाइब्रेरी मिलने वाले हिंदी साहित्यकारों का सभी किताब लेकर जाने वाली और पढ़ने वाली। पढ़े हुए किताब के कुछ प्रश्नों के ऊपर कवित्री के साथ चर्चा भी करने लगी और समझने की कोशिश करने लगी कि साहित्यकारों किस तरह साहित्य लिखते हैं। साहित्यकारों के बारे में जानने के लिए देखिए उन्होंने जैनेन्द्र से लेकर आग्नेय जी की साहित्य पढ़ चुकी है, यशपाल भगवत शरण वर्मा की साहित्य पढ़ चुकी है। भगवत शरण वर्मा से लेकर अनेक उनकी किताबों के ऊपर बहस भी कर चुकी है अपने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। जब जैनेन्द्र जी की किताबें जैनेन्द्र जी की साहित्य पढ़ने के लिए शुरू कर दी थी, जैनेन्द्र जी के साहित्य में मिलने वाले छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर उनको आसानी से समझ में आता था और पढ़ने के बाद उनको खुशी भी होती थी। सुनीता, उन्होंने लिखे हुए सुनीता नामक एक उपन्यास इनको बहुत ही मन को लोभा था। उस उपन्यास बहुत अच्छा लगा था आग्नेय जी का उपन्यास शेखर सुमन। देखिए आग्नेय जी का शेखर सुमन उपन्यास भी जीवनी उनको बहुत ही अच्छा लगा था। पढ़े थे जरूर, वो मेरी समझ में सीमित दायरे में ही समान आ पाया था। जो जैनेन्द्र जी की सुनीता नामक एक उपन्यास जीवनी पढ़ी थी, लेकिन पढ़ने के बाद उसे 2-3 बार भी पढ़ चुकी थी, कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन समझने के लिए अपने प्राध्यापिका से मदद लेकर समझने की कोशिश भी कर चुकी। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसमें मन को इस कदर बांधा कि उस झोंके में शेखर को फिर से पढ़ गई। लेकिन फिर उसके बाद जैनेन्द्र जी की नदी के द्वीप ग्रंथ भी पढ़ चुकी, वो भी 2-3 बार पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर खुश होने के बाद शेखर सुमन एक ग्रंथ भी पढ़ने लगी। इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूल्यों का मंथन का युग था। यही हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का किताब लेने वाली पढ़ने वाली जो समझ में आता था समझने की कोशिश करती थी, जो समझ में नहीं आता था वो अपने साहित्यिक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से सलाह लेती थी, उनके साथ साथ उनके ग्रंथों का भी चर्चा करती थी। पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। उन्हें
ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र जी का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। यूं ही देखिए साहित्यिक दायरा इनका शुरू हो गया। लगातार पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो साल हिंदी साहित्य के सभी साहित्यकारों का किताब लेने वाले, पढ़ने वाले और पढ़े हुए ग्रंथों के ऊपर अपने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से चर्चा करती थी। कुछ समझना चाहती थी समझ सकती थी, जो समझ में नहीं आता था उसके बारे में 10 बार पढ़ाई करती थी, समझने का कोशिश करती रही। इससे पहले कवित्री को पाप पुण्य नहीं थी, कहीं कुछ भी पता ही नहीं था, बनी बनाई दुनिया कैसा होता है कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही साहित्य पढ़ने लगी सही गलत का मूल्यांकन उनको होने लगा, पाप पुण्य के बारे में समझने लगी, अनैतिक नैतिक के बारे में समझने लगी, सही गलत क्या होता है वो भी समझने लगी। साहित्यिक दायरे में उतरने के बाद जीवन का मूल्य कवित्री को समझ में आने लगा, सही गलत पहचानने लगी, पाप पुण्य के बारे में बात करने लगी और सच्ची झूठी बनी बनाई दुनिया के बारे में बात करने लगी। इन सभी साहित्य के ग्रंथ पढ़ने के बाद अपने साहित्यिक प्राध्यापिका, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से सलाह लेकर कहीं दिनों तक उन पढ़े हुए ग्रंथों पर चर्चा करने लगी। ये दो साल में कितना समझ सकती थी हिंदी साहित्य समझ ली और समझने का कोशिश भी करती रही। शीला अग्रवाल ने साहित्य के दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। जैसे देखिए बचपन से ही तो जीवन कष्ट से ही बीत गया, जो खुशी चाहती थी खुशी न मिला, माँ बाप का प्यार चाहती थी माँ का प्यार तो मिल ही जाता था, पिता का प्यार चाहती थी पिता का प्यार नहीं मिल पाया। जैसे ही 16 साल की हो गई, बड़ी बहन ससुराल चली जाने के बाद धीरे धीरे से पिताजी के पास बैठने लगी, पिताजी से बातें करने लगी, पिताजी के साथ बहन से भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। जैसे 16 साल की हो गई पिताजी के रोमानी बातों से देश में क्या कुछ हो रहा है समझ में आने लगा था, देश में क्या कुछ होने लगा समझ में आ रहा था, देश के बारे में सोचने लगी थी, विचार करने लगी थी, कुछ करने की चाह उनमें आ ही गया था। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट ईयर में दाखिला हुई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो साल साहित्य की दुनिया में आ गई, साहित्य के सभी किताबों पढ़ गई। उसके बाद उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने सिर्फ साहित्यिक दायरा ही उनका नहीं बढ़ाया था, साथ ही साथ इस देश में होने वाले घटनाओं के बारे में बात करती थी और देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के बारे में कवित्री जी के कानों में भरने लगी। तब धीरे से कवित्री धीरे धीरे से जागृत होने लगी, धीरे धीरे से देश के लिए कुछ करने की सोच विचार कवित्री जी के मन में बहने लगा। तब भी सोचने लगी घरों का जो वातावरण देश काल के ही बातें में चार दीवारे में बैठकर पिताजी ने जो मुझे सुनने के लिए कहते थे सुनी थी, पढ़ने के लिए कहते थे पढ़ चुकी थी, अब घर से बाहर आ गई हूँ। जैसे कॉलेज जाना जाना करती थी, घर से बाहर आने के बाद इनके मन का जो चाह था हद से ज्यादा बढ़ गया, देश के लिए कुछ करने की चाह इनके मन में हद से ज्यादा बढ़ गया। इनको देखिए देश सेवा करने के लिए दो व्यक्तियों से मार्गदर्शन मिल गया। एक तो घरों में पिताजी की चर्चाएं, पिताजी के दोस्तों की चर्चाएं, पिताजी की जो मार्गदर्शन घर में ही मिलता था, लेकिन घर के बाहर आने के बाद कॉलेज में शीला अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में मन बिल्कुल आक्रांत हुआ कि देश के लिए कुछ करें और देश के लिए कुछ सोचें। उन्होंने वहां से खींचकर जो देश के लिए कुछ करने का मार्गदर्शन कवित्री ने देने लगी थी तब सन 1946 का समय था, पीयूसी सेकेंड ईयर में थी तब सन 1946-47। ये दो साल तो इस देश में आजादी के लिए इस देश में अनेक लोग मर मिटने लगे, जैसे इस देश की युवाओं, देश के बूढ़े बूढ़िया, नर नारियों और देश को आजाद करने के लिए तीव्र गति स्वतंत्र सेनानियों कुछ लोग थे, मंद गति स्वतंत्र सेनानियों कुछ लोग थे, किसी न किसी तरह से देश को आजाद लेने के लिए अनेक प्रकार के संस्थाएं प्रारंभ की गई थी। उन संस्थाओं देशों में घूमकर, शहरों में, नगरों में, गांव में, हर जगहों में घूमकर
गांव में रहने वाले लोगों को, शहरों में रहने वाले लोगों को, बूढ़ों बूढ़ियों, नर नारी स्त्री पुरुष सभी को जागरूक करने लगे थे किसी न किसी तरह से इस देश को आजाद करवा लेना है। देश को आजाद करवाने के लिए जब अजमेर शहर में आजाद हिंद फौज का संस्था आता है, आजाद हिंद फौज का एक संगठनकारियों का क्रांतिकारी भाषण, साथ ही साथ देश में चलने वाले आंदोलन अजमेर शहर में चौराहे में बाजारों में जहां देखो वहां आंदोलन ही आंदोलन चलने लगा था। तब कवित्री बिल्कुल नौजवान थी, नौजवान होने के कारण वो भी सोचने लगी कि इस देश के लिए मुझे कुछ करना है। तो देश में सब कुछ इतना तो हो रहा है, बूढ़ी बूढ़ियां भी भाग ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, मैं कैसे ठहर जाऊं, मैं तो बिल्कुल नौजवान हूं, मैं भी इस देश की प्रजा हूं, होने के नाते इस देश के लिए मुझे कुछ करना है। उन्होंने अपने मन में आत्मविश्वास के साथ ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। सबसे जुड़ना हर युवाओं का उन्माद, तो इस आंदोलन में युवाओं थे विशेष कर, और युवा होने के नाते उस आंदोलन में भाग लेने के हदसे ज्यादा मन उनका आकर्षित हुआ, हदसे ज्यादा आंदोलन में भाग लेने की कोशिश करने लगी। मई युवा थी और सुशीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में भरते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। देखिए जैसे 17 साल की थी, एक ऐसा रह सकती है आंदोलन में देश भर अजमेर शहर के चौराहों में जहां देखो आजाद फौज संगठनकारियों संगठन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। तो कवित्री युवा होने के नाते इनको दो व्यक्तियों का मार्गदर्शन तो मिलता था रोज, एक तो घरों में पिताजी के पास होने वाले चर्चाओं से मार्गदर्शन और एक कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से भी मार्गदर्शन। इन दोनों के मार्गदर्शन के मुखांतर एक आंदोलन में भाग लेने के लिए शुरू कर दी। शोर दो तरह के शोर उनको सुनाई देता था, एक घर का घर में चलने वाले भैंसे और एक कवित्री देने वाले भाषण। इन दोनों के ओर आकर्षित होकर गौरों के चर्चाओं की ओर भी आकर्षित होती, प्राध्यापिका सुनाने वाले कुछ जोशीले भाषणों भी आकर्षित हुए थे। दोनों की भाषणबाजी सुनकर आकर्षित होकर स्वयं वो भी आंदोलन में कूद पड़े। पिताजी की आजादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी परिस्थितियों में घर में आए लोगों के बीच बैठो जानो समझो हाथ उठा उठा कर नारे लगाते, हड़तालें करवाते, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापते, लड़कियों की अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद दर्शक कराना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बदल बहता तो सारे विषेद सारी वंचनाएं और सारा भय कैसे दुस्त हो जाता है, यह तभी जाना कि अपने क्रोध से सबको थर थरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तक शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता रहा। देखिए यूं ही 16 साल की थी, पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अंत में थी, तब जोशीली भाषणों के ओर आकर्षित होकर कवि थी आंदोलन करने के लिए शुरू कर दी। कॉलेज के सभी लड़कियों को आंदोलन में भाग लेने के लिए जाती थी, सुबह से शाम तक शहरों में जहां आंदोलन चलता है वहां भाग लेती थी। पिताजी तो समझाने की कोशिश करते थे, पिताजी बस ये कहते थे कि घर में चलने वाले बहसों को सुनो, जाने की कोशिश करो और समझ कर घर में ही रखो, कॉलेज जाना है, कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज से घर वापस आना है, घर में चलने वाले बहसों को सुनना है और चुपचाप पढ़ाई करना है। सभियों के माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे कुछ बन जाए, देश के लिए आदर्श व्यक्ति बन जाए, कमाऊं बन जाए, सभी यही चाहते हैं। उनके पिताजी भी यही चाहते थे क्योंकि लड़की थी 16-17-18 साल की लड़की, घर से बाहर सुबह से शाम तक रोड नापना, लड़कियों को लेकर आंदोलन करना, लड़कों के साथ रोड नापना, सुबह से शाम तक आंदोलन 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 में ही भाग लेना, कोई माँ बाप चाहते भी नहीं है। किसी के माँ बाप को ऐसे चाहते नहीं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए। उनके पिताजी को भी क्रोध आने लगा, कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, तुम जो कॉलेज जाती हो कॉलेज में पढ़ाई करो और वापस घर आ जाओ, घर में जो करना है करो, और देश के बारे में तुम समझना चाहती हो सुनना चाहती हो तो जो मेरे दोस्तों के साथ में चर्चा करता हूँ, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो चर्चाएं हमारे घर में चलते हैं वो सुनो समझो समझने की कोशिश करो,
लेकिन बाहर जाकर आंदोलन करना उनके पिताजी के लिए बिल्कुल मुश्किल था। कहने लगे, पिताजी और मनु जी के बीच में इसी सिलसिले में झगड़ा होने लगा। वो कैसे बन गई थी कि बिल्कुल लीडर बन गई थी। पीयूसी दो साल जैसे पढ़ाई समाप्त हो गया, जैसे पीयूसी सेकेंड ईयर का परीक्षा भी न दी थी, बिल्कुल लीडर हो गए थे, क्योंकि उनके मन में एक ही चाह था कि इस देश को किसी न किसी तरह से आजाद करवाना है, देश को आजाद कराना है। देश को आजाद करवाने के लिए जो आजाद हिंद फौज संस्था अजमेर शहर में जो काम करने लगा है, युवाओं को, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, सभी को आकर्षित करवा कर सुबह से शाम तक आंदोलन चला रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो वो भी आंदोलन में भाग लेने लगी। कभी कभी चोरी से डर जाती थी, कभी पिताजी का डर इनके था, पिताजी मुझे कुछ कहेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी डर था। तो ये डर भी निडर हो गए, पिताजी के साथ बहस करने लगे। पिताजी जो करने के लिए मना करते थे वो करने के लिए शुरू कर दी, पिताजी जहाँ जाने से मना करते थे वहां पर जाने लगी, बिल्कुल पिताजी की विरोधी बन गई। पिताजी को भी हद से, भंडारी जी को भी हद से ज्यादा बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लगे, देखिए हम कहीं घर में गस में लेट से जाते हैं या कुछ कहते हैं तो घरों में एक ही सोचते हैं, बेटा बड़ा हो गया इसके लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं, बंदोबस्त करते इसका शादी करते हैं। तो उनके पिताजी भी ऐसे सोचने लगे, ये तो घर से सुबह से शाम तक गायब ही रहती है, कब कॉलेज जाती है पता नहीं, कब कॉलेज से वापस आती है पता नहीं, सहेलियों को सभी को लेकर आंदोलन में भाग लेती है, रोडों पर रोड नापती है, नारा लगाती है, सुबह से शाम तक भाषणबाजी में रहती है, आखिर ऐसे ही करेंगे तो घर का नाक कट जाएगा। तो लड़कियां घर की इज्जत होते हैं, तो घरों में आए दिन लड़कियां ऐसे करते हैं तो घर के सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो उनके पिताजी भी सोचना स्वाभाविक था, सोच लिए। और राजेंद्र यादव नामक एक व्यक्ति के साथ कवित्री का शादी कर देते हैं। कवित्री जी का शादी राजेंद्र यादव जी के साथ हो गया। राजेंद्र यादव जी भी हिंदी साहित्यकार ही थे, तो हिंदी साहित्यकार होने के नाते कवित्री जी की विवाह उनके साथ हो गए, लेकिन दोनों में मेल जोल ही नहीं था। वो भी क्या चाहते थे, शादी होने के बाद राजेंद्र यादव को भी यही था कि पत्नी घर में रहे और कुशल गृहिणी बने, एक अच्छी स्त्री बने, घर संभाले, यही चाहते थे। लेकिन ये घर गृहस्थी छोड़कर सुबह से शाम तक आंदोलन में ही भाग लेती थी। तब राजेंद्र यादव जी भी इनको छोड़ देता है, अधूरा इनका शादी बीच में टूट जाती है, ना उधर मायका ना इधर ससुराल, दोनों के बीच में बीच रहा में कवित्री खड़ी हो गई। ना पिता के पास तो जा ही नहीं सकती थी क्योंकि शादी हो गया था, शादी होने के बाद ससुराल आ गई थी, ससुराल ही उनके लिए सब कुछ था, वापस अब ससुराल से मायके नहीं जा सकती थी, और पति राजेंद्र यादव को भी छोड़ दी थी। तो बीच राह में इनका जीवन शुरू हो गया, इनके लिए देश की आजादी एक ही उन्माद लग गया। इन्हीं कवित्री का जीवन आंदोलन में ही शुरू हुआ। यश कामना बल्कि कहूँ यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्लभता था कि और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप भवन से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों का कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। चार बच्चे पहले भी पड़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। तो यूं ही इनका जीवन शुरू हो गया था। एक बार की घटना इस कहानी में व्यक्त करती है। तब ये जैसे पीयूसी सेकंड ईयर में थी, हद से ज्यादा आंदोलन में ही भाग लेती थी, जैसे कक्षा में अकेली नहीं, साथ ही साथ कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़का लड़कियों को बहकाकर उनको भी आंदोलन में भाग लेने के लिए जाती थी, कक्षा खाली ही पड़े रहते थे। तो प्रिंसिपल साहब प्राध्यापकों से पूछते हैं तो कहते थे मनु जी की बातों में आकर सभी बच्चे आंदोलन में भाग लेने के लिए गए, मनु जी सभी बच्चों को लेकर आंदोलन में भाग लेने के लिए गई है। तो इनका अटेंडेंस बिल्कुल शॉर्टेज आता है। तब इनके पिताजी के नाम पर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एक खत लिख देते हैं। खत लिखने के बाद कवित्री के घर पर वो खत पहुंचता है। मनु भंडारी जी के पिता भंडारी जी उस खत को खोल कर पढ़ते हैं, हद से ज्यादा क्रोधित होता है।
मैं कॉलेज भेजता हूँ कि कुछ बने, पढ़े लिखे, कुछ महान व्यक्ति बने, कुछ करे, मैं इसलिए कॉलेज भेजता हूँ। तुम कॉलेज में जाकर कोलाहल मचाती हो। इससे पहले उसी कॉलेज में उनके दो बहनें भी पढ़े थे, दो भाई भी पढ़े थे, कभी भी प्रिंसिपल साहब का पत्र मेरे घर तक नहीं आया था। पहली बार तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कर्मों के वजह से, तुम्हारे करतूतों के वजह से खत आया है। पिताजी गुस्सा से उस खत को पढ़े और मनु को गाली देते हुए प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए भी जाते हैं। यह घटना है, प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए भी जाते हैं, तब उन्होंने मनु की शिकायत इनसे करते हैं। लौटकर क्या बर्पा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया था कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी ही है, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गए तो सही लेकिन डरते डरते। उस दिन पिताजी प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए गए। कवित्री अपनी माँ से कहती है, माँ कॉलेज में तो मेरी शिकायत के खिलाफ पत्र आया है। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए गए हैं, वापस आने के बाद मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोस के सहेली के घर में बैठती हूँ, अपने पड़ोस के सहेली के घर में बैठती हूँ। जैसे पिताजी वापस आ जाए, पिताजी का जो खुशी देखकर, पिताजी के बातों को देखकर मुझे बुला देना, तब मैं वापस घर आऊंगी। माँ को इतना कहकर जाकर दूसरे अपने सहेली के घरों में बैठती है। भंडारी जी के पिताजी उनके कॉलेज प्रिंसिपल साहब से मिलकर आते हैं, आकर घर में बैठते हैं। तो माँ बेटी तो सुबह से दूसरों के घर में ही बैठी थी, माँ को बुरा लगने लगा था, जाकर बेटी से कहती, चलो बेटी घर। कहती, माँ पिता का गुस्सा कैसा है? तो खुशी में ही है, चलो बेटी को बुलाकर घर लाते हैं। तो भंडारी गुस्से से इसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, कमरे में बंद कर भी देते हैं। कहते हैं कि वापस मैं घर लौटी तो पिताजी ने जो मेरे साथ किए थे वो बताना भी मुश्किल है। मारते हैं, पीटते हैं, क्योंकि बेटी के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है कॉलेज में। कॉलेज के सभी प्राध्यापकों, कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी लोग इसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। इसलिए क्रोधित होकर भंडारी जी घर आए। जैसे मनु आते ही मनु को मारते हैं, पीटते हैं, एक कमरे में ढकेल देते हैं। लेकिन जब माँ बुलाकर डरते डरते गई, पिताजी ने ऐसे कहे थे, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों से इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रहे थे कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्यों वे लोग किसी तरह डरा डमका कर डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोगों एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकाल कर, क्लास से निकाल कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगते हैं। जैसे ही माँ लेकर सहेली के घर से बेटी को लेकर आती है, तो तब भंडारी जी बेटी को गाली देते हैं, तुम तीन लड़कियां मिलकर सारे कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं, कॉलेज में सभी प्राध्यापिका तुम्हारे ऊपर खिलाफ गाली दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शिकायत कर रहे हैं। तुम तीन लड़कियों आंदोलन में भाग लेने के लिए कक्षा के सभी लड़कियों को लेकर जाते हैं, आंदोलन में भाग लेते हैं, रोड नापने के लिए लगाते हैं। तुम तीनों के इशारे से कवित्री और उसके साथ और दो लड़कियां भी थे कि कक्षा के सभी लड़कियों को डरा कर धमका कर आंदोलन में भाग लेने के लिए लेकर जाने वालों में थे। तो तुम तीनों के लिए शिकायत कर चुके हैं प्रिंसिपल साहिबा। जो कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए गए थे भंडारी जी, जहाँ भंडारी जी और प्रिंसिपल के बीच में जो बातचीत हुआ, इन सभी बातों को लेकर बेटी को गाली देने लगे, डांटने लगे, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए, कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कह बड़े गर्व से कह कर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार था। पिताजी आकर मुझे गाली देने लगे हैं, मुझे घर में बिठाने की बातें करते हैं। जो पिताजी बातें करने लगे थे वो बात मेरे कानों में कैसे गिर सकते हैं? सिर्फ ये आंदोलन के पुकार मैं अकेली की पुकार नहीं है, मेरे जैसे अनेक लड़कियों के पुकारे हैं, मेरे जैसे अनेक युवाओं के पुकारे हैं। तो मैं भी युवा होने के नाते ही पिताजी जो मुझे कॉलेज में हुए घटनाओं के बारे में बात करते थे, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जो पिताजी गाली देते रहे, मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन सिर्फ मेरे मन में एक ही था कि
किसी न किसी तरह से इस देश की आजादी हो जाए, किसी न किसी तरह से इस देश की आजादी चाहने वाले कवित्री आजाद हिंद को संस्थाओं से जुड़कर आंदोलन करने लगी, तो आंदोलन में भाग लेने लगी। देश के लिए कुछ मन, देश के लिए कुछ करने की चाह कवित्री के मन में था। शिक्षा अधूरा रह गया, जीवन की सकारात्मक भावनाएं भी अधूरे रह गए और आंदोलन ही इनके लिए सब कुछ बन गया। सुबह से शाम तक आंदोलन ही आंदोलन चलाने के लिए कवित्री घर से बाहर निकल पड़ी। इस कक्षा के कवित्री की बाकी के जीवन अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।